उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतर्गत कोरबा के सीएसबी मैदान में सभा को संबोधित किया। भगवान राम के ननिहाल में आकर खुश हुए योगी ने कोरबा लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने पिछले 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी के सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। कोरबा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे को प्रत्याशी बनाया है, जिनके लिए लगातार सभाएं हो रही हैं। इस सिलसिले में स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को कोरबा पहुंचे। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण और छत्तीसगढ़ में इस अवसर की खुशी के साथ की। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की धरती से ही भगवान ने निश्चरों के सर्वनाश का संकल्प लिया था। बहन और भाइयों, ये छत्तीसगढ़ की धरती है। जब राम को वनवास जाना पड़ा था तो छत्तीसगढ़ में ही उन्होंने सबसे पहले शरण ली थी। और बहन और भाइयों, एक संकल्प ऋषि मुनियों को, समाज के सज्जन प्रवृत्ति के लोगों को, निस्तरहीन करो वही बुझ उठाए प्रण कीन के संकल्प के साथ इसी छत्तीसगढ़ की धरती का एक सिंहनाद भारत को राम राज्य की ओर ले जाने के लिए प्रभु राम ने किया था। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास पर अपनी बात रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने बताया कि सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं और सब कुछ जमीन पर दिख रहा है। और इधर मोदी जी के समय में और भाजपा की सरकार के समय तो छत्तीसगढ़ में फ्री में चावल, और मोदी जी पिछले 4 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। पूरे देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा। अब तुलना करिए, कांग्रेस के समय भूखों मरते थे। 1947 में भारत से बड़ी ठसक के साथ पाकिस्तान अलग हुआ था। वे समझता था कि अलग होकर के हम लोग बहुत धनवान हो जाएंगे। आज आप देख रहे होंगे भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा है और पाकिस्तान की 23 करोड़ की आबादी है वे भूखों मर रही है। पाकिस्तान में भूखों मर रहे हैं लोग। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5,00,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत का कार्ड यह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। कांग्रेस की पिछली सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पहले देश में आतंकवाद से लेकर नक्सलवाद और यहां वहां बम विस्फोट जैसी घटनाएं हुआ करती थी। मोदी के नेतृत्व की सरकार ने सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ आतंकी घटनाओं को रोकने का काम किया है, इसलिए अब आसपास में फटाके फूटने पर पाकिस्तान को बार बार सफाई देनी पड़ती है। याद करिए 2014 के पहले सरोज जी भी सांसद थी और लगातार छत्तीसगढ़ की आवाज संसद में उठाती थी कि छत्तीसगढ़ में ये विकास चाहिए। भूख से लोग देश के अंदर मरते थे कांग्रेस की सरकार के समय। किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी और देश के अंदर आतंकवादी कहीं भी घुसपैठ करके बम विस्फोट कर देते थे। आज तो क्या स्थिति मोदी जी ने बनाई, कहीं पटाखा भी जोर से फटेगा तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है। अगर कहीं गलती से भी पाकिस्तान का हाथ सामने आया तो भारत की बहादुर सेना पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेगी और पाकिस्तान को फिर जवाब देते हुए नहीं बनेगा। भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने देश के विकास के लिए बीते 10 वर्षों में किए गए कार्यों पर रोशनी डाली और एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनाने की अपील की। लोकसभा का ये चुनाव एक अलग परिदृश्य में हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री रहे और 10 वर्षों में उन्होंने इस प्रदेश में लगातार काम किया। जिस प्रकार से उन्होंने इस प्रदेश में काम किया, उन्होंने देश में काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की चिंता करी, गरीबों के लिए योजनाएं बनाई,
और लगातार लगातार 10 वर्षों तक देश को आगे बढ़ाने का काम किया। लोकसभा क्षेत्र आज भी देश के 100 आकांक्षी जिलों में इसकी गिनती होती है, जबकि यहां पर लगातार कांग्रेस को हमेशा यहां से वोट मिलता रहा, वो यहां के सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन आज भी कोरबा लोकसभा को आकांक्षी लोकसभा में गिना जाता है। ये दुर्भाग्य की स्थिति है और इस स्थिति को बदलने के लिए हम सब कार्यकर्ता सहित कोरबा लोकसभा क्षेत्र की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी, ऐसा मेरा मत है। श्रम और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कार्यक्रम की शुरुआत में स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्मृति चिन्ह भेंट किया। हम सब लोगों ने जो संकल्प लिया है कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, तो कोरबा में भी सरोज दीदी का नाम उसमें रहे। और सरोज दीदी के हम लोगों ने जो संकल्प लिया है कि अपने कोरबा लोकसभा से उनको मोदी जी को 400 पार, तो सरोज दीदी को 4,00,000 पार, तो आप सबके ताकत से संभव होगा। सभा के प्रारंभ में विभिन्न पदाधिकारियों ने योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। आम सभा में भाजपा के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के अलावा काफी संख्या में लोगों की उपस्थिति दर्ज हुई। कोरबा से पवन तिवारी की रिपोर्ट।